असल यू आल आर वेल सो वी आर बैक विद द सी एस एस इस्लामिक स्टडीज सीरीज़ तो हम डिस्कस कर रहे हैं अपना सी एस एस का सलेबस अकॉर्डिंग टू एफ पी एस सीज आउटलाइन हम अपने सेक्शन नंबर फाइव पर पहुँच चुके हैं जो कि है इस्लाम एंड द वर्ल्ड और मेरा बहुत फेवरेट सेक्शन है ये इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड इस्लामिक कल्चर और इंट्रोडक्शन टू इस्लाम सीरा ऑफ द प्रोफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम और ह्यूमन राइट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनमें से अपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने ही करने वो हम कर चुके हैं डिस्कस तो जो सेक्शन फाइव है बेसिकली ये कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस के मुताबिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे जो कंटेंट्स हैं इसमें इसमें इम्पैक्ट ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन ऑन द वेस्ट एंड वाइस वर्सा कि क्या इम्पैक्ट रहा इस्लामिक सिविलाइजेशन का वेस्टर्न सिविलाइजेशन पे और वेस्टर्न सिविलाइजेशन का फिर क्या इम्पेक्ट हुआ इस्लामिक सिविलाइजेशन पे फिर हम डिस्कस करेंगे कि इस्लाम का क्या रोल है आज के वर्ल्ड में फिर हम डिस्कस करेंगे कि मुस्लिम वर्ल्ड को क्या कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस का सामना है और फिर हम डिस्कस करेंगे राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म जिसमें हम टेररिज्म को भी डिस्कस करेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ये सेक्शन इसको हम चार लेक्चर्स में कवर करेंगे जो उसका फर्स्ट लेक्चर है वो सबसे ज़्यादा क्रक्स इस पूरे सेक्शन का बयान करता है जो हम अभी डिस्कस करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग ही वाला ये वाला लेक्चर है मुझे बहुत पसंद है तो अगर हम इस्लामिक सिविलाइजेशन के इम्पैक्ट की बात करें तो आप देखें कि क्या है इस्लामिक सिविलाइजेशन क्या इम्पैक्ट रहा इस्लाम का वेस्ट पे इसको अब आपने बहुत डीप एनालिसिस करना है हमें पता है कि जो रिलीजनस हैं वो कहाँ से स्टार्ट हुए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ठीक है दीन इब्राहिमी जिसे हम कहते हैं उस अब्राहमिक रिलीजन से फिर तीन रिलीजन निकले जिसमें क्रिश्चियनिटी जुडाइज़म और इस्लाम है अब जो इस्लाम है वो क्या है बेसिकली वो दीन इब्राहिमी से इस वो दीन इब्राहिमी का ही हिस्सा है जब क्रिश्चियनिटी, जब जुडाइज़म जब किसी भी दीन में किसी भी रिलीजन में जब बहुत ज़्यादा बाहर से मुदाखलत शुरू हो गई जब उसकी किताबों भी आपको पता है कि उनमें हेर फेरा फेरी कर दी गई उनमें गलत अपने तरीके से टेक्स्ट ऐड कर दिए गए जब अल्लाह ताला का जो हुक्म था उसको ख़राब करने की कोशिश की गई फिर उस जो रिलीजन था उसको क्या कर दिया गया उसको नल एंड वाइड करार दे दिया गया और उसके बाद फिर अगला रिलीजन आया उस नबी का वो काम था उस कॉम के लिए वो नबी आए बेसिकली ये जो तीनों रिलीजन हैं इन तीनों रिलीजन को अगर हम वाइडर देखें तो हम अब्राहमिक रिलीजन पर पहुँचते हैं तो इस्लाम किसका पार्ट है इस्लाम अब्राहमिक रिलीजन का पार्ट है ठीक है दीन इब्राहिमी का पार्ट है अब देखिए इब्राहिम के दो बेटे थे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम अब आपको पता है कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से बहुत नबी आए वहीं से जुडाइज़म है वहीं से क्रिश्चियनिटी है हज़रत इस्माइल के जो डिसेंडेंट हैं डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु सल वसल्लम हैं क्योंकि हज़रत इस्माइल और उनकी जो वालदा हैं बीबी हाजरा वो अरब्स में आ गए ठीक है आप हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें अरब में छोड़ के गए थे मक्का में छोड़ के गए तो वहाँ से फिर क्या हुआ वहाँ पे उनकी जो कहते हैं कि फोर्टी जो नस्लें हैं ना उसके बाद आप सल्लम की पैदाइश हुई तो बेसिकली हज़रत इब्राहिम, हज़रत इस्माइल और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये क्या है एक पार्ट है एक चेन है अब इसको अगर आप फ्लो चार्ट में देखें तो आप इसको दो चेन्स में पहले सबसे पहले करेंगे हज़रत इसमाइल की औलाद हज़रत इसहाक़ की औलाद लेकिन बेसिकली वो किसकी औलाद है हज़रत इब्राहिम की अगर अब्राहम अकॉर्ड होता है अगर कोई भी दीन इब्राहिमी की बात होती है तो वो इसी बेस पर होती है इसी कनेक्शन पर होती है कि बेसिकली वी आर पार्ट ऑफ अ ग्रेटर कनेक्शन वी आर पार्ट ऑफ अ ग्रेटर सिविलाइजेशन तो अब बेसिकली यहाँ से आपने देखना है कि इस्लामिक सिविलाइजेशन कहाँ से आई दीन इब्राहिमी से आई तो इस्लाम हमेशा रहा इस्लाम का मकसद ही ये था कि अल्लाह ताला एक हैं दीन इब्राहिमी भी यही कहता है कि अल्लाह एक हैं क्रिश्चियनिटी में जो लॉ ऑफ ट्रिनिटी है जिसमें हजर अलैहिस्सलाम को नाउज़ बिल्ला अल्लाह तला का बेटा कहा जाता है तो वो क्या थे वो उन्होंने उसमें इम्प्योरिटी ऐड की वहां से क्या हो गया वो दीन नलन वायड हो गया जो जियो थे जो बनी इसराइल के लोग थे उन्होंने जब अल्लाह ताला के हुक्म से वो क्या हो गया कि अल्लाह ताला ने उन्हें इतना नवाजा लेकिन जब वो क्या करते गए करते गए तो वो क्या उनका दीन हो गया उनके जो सारे एजाज थे वो क्या हो गए नलन वायड हो गया और फिर आखिरी दीन आया जिसने हमेशा तक रहना है इस्लाम लेकिन वो कोई नई चीज नहीं है बेसिकली वो दीन इब्राहिमी ही है और वह दीन मोहम्मदी इसलिए क्योंकि उसको खालिज कर दिया गया दीन इब्राहिमी में जो जो टेनट्स थे वही दीन मुहम्मदी में है उसमें भी शिरक नहीं था उसमें भी अल्लाह ताला एक थे उसमें भी तोहिद थी तो बेसिकली इस्लाम हमेशा से है अल्लाह ताला का जो इस्लाम क्या है अल्लाह ताला का दीन है सलामती का दीन है अल्लाह को हम इसमें हम मानते हैं कि अल्लाह ताला एक है उसका कोई शरीक नहीं कितने पैगंबर आए इस्लाम में हम हर जो पैगंबर आए क्रिश्चियनिटी में जुडाइज्म में हम उन सब को बनी इसराइल के जितने नबी हैं जो भी हमारे एक लाख चौबीस हजार पैगम्बर हैं हम उन सबको मानते हैं तो बेसिकली इस्लाम हैज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड सो इट इज़ नॉट समथिंग दैट केम इन टू बीग या दैट हैज बीन फाउंडेड इन द सेवन सेंचुरी ठीक है आपने एग्जामिनर को यही बताना है कि वट इज़ दीन इब्राहिम एंड वट इज इस्लाम इट इज ऑलमोस्ट सेम इट इज सेम ठीक है अगर दीन इब्राहिम प्योर है तो वो इस्लाम ही है हमेशा से एक दीन जिसके लिए दुनिया बनाएगी वो दीन मोहम्मदी ही है तो बेसिकली हम अब देखेंगे कि इस्लाम का क्या इम्पैक्ट रहा अक्रॉस टाइम एंड अक्रॉस फील्ड्स तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू देने का मकसद ये है कि देखें आप देखेंगे अब्राहमिक रिलीजन कहाँ से ओरिजिनेट हुआ हज़रत इब्राहिम से हुआ ठीक है उसके भी तीन चीज़ें हैं जुडाइजम क्रिश्चियनिटी इस्लाम ठीक है हजरत इब्राहिम बेसिकली सेंट्रल फिगर है, है की अगर हम इसमें सिविलाइजेशंस देखें तो हजरत इब्राहिम सिविलाइजेशंस के पार्ट थे जो कि मिडिल ईस्ट में थी अब यहां से आपको पता चल गया कि इस्लाम का निशान मिडिल ईस्ट में था अगर हम जुडाइज की बात करें तो ओल्डेस्ट अब्राहमिक रिलीजन है में था इन कनान था इन द रीजन ऑफ कनान जिसे मॉडर्न डे इसराइल एंड पैलेस्टाइन कहते हैं इसी तरह फिर जो जुश डायस्पोरा था वो स्प्रेड हुआ और वो यूरोप चला गया अफ्रीका चला गया एशिया चला गया तो आप कह सकते हैं कि दीने इब्राहिमी यूरोप अफ्रीका एशिया चला गया फिर जब क्रिस्तियान हुई तो ये, से ही में हुई, और ये रोमन सी में स्प्रेड हुई फिर जो इस्लाम था वो सेवन सेंचुरी में अरेबियन पेनिसोला में आया और वहां से स्प्रेड हुआ अब यहाँ से आपको पता चल गया कि कहाँ जो हमारा दीन है उसके जो निशान है वो कहां, कहां तक रहे अगर हम इसमें सिविलाइजेशन देखें कौन कौन सी आई तो इसमें एंशियट मिजोपटामिया आई एंशियंट इजिप्ट आया बेबीलोनियन एम्पायर आया रोमन एम्पायर आया बाइजेंटाइन एम्पायर आया इस्लामिक कैलिफेट आई तो कोई ऐसा अम्पायर कोई ऐसी सिविलाइजेशन नहीं गुजरी जिसमें इस्लाम जिसमें अल्लाह ताला के दीन की बात नहीं हुई जिसमें दीन इब्राहिमी की बात नहीं हुई अब देखें अगर एंशियन मेसोपोटामिया की बात करें तो मेसोपोटामिया आपको पता है काय जो रिवर टिग्रस और रिवर यूफ्रेट्स के दरमियान में जो सिविलाइजेशन है ठीक है उसमें अब्राहमिक रिलीजन रहा ये जो इराक़ वाला इराक है अगर हम इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट इस्लामिक कल्चर में रहा अगर हम बेबीलोनियन एम्पायर की बात करें तो ये था ही मेसोपोटामिया में इसमें किंगडम ऑफ जुदा था और इन्होंने आपको पता है कि इसराइलीओ को निकाल दिया था बेबीलोनिया से बेबिलोनिया सेंचुरी में बहुत इनको इनकी तजलील हुई थी फिर जो रोमन एम्पायर है इसमें ये

तो यहां से आपको पता चलता है कि वट इज दीन ए इब्राहिमी और यहां से हम देखेंगे कि अब आप बताएंगे इस्लाम क्या है इस्लाम कोई ऐसी नई चीज नहीं है जिसको वेस्ट ने इन्फ्लुएंस किया है तो दीन इब्राहिमी हमेशा से था इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ अ ग्रेटर सिविलाइजेशन वहाँ पे जो भी कुछ है वो पार्ट ऑफ़ इस्लाम है वो पार्ट ऑफ़ दीन इब्राहिमी है वो ख़राब हो गया या उसमें इम्प्योरिटीज़ आ गई वो बात की बात है अब हम इस्लामिक सिविलाइजेशन का इम्पैक्ट देखेंगे दो तरह से अक्रॉस टाइम अक्रॉस फील्ड अक्रॉस टाइम वही है जो हमने अभी डिस्कस किया कि इस्लाम किस कल्चर का पार्ट है इस्लाम दीन इब्राहिमी का पार्ट है किस सिविलाइजेशन का पार्ट है अब्राहमिक सिविलाइजेशन का पार्ट है तो जो इस्लामिक पैसेज है बेसिकली एक हिस्टोरिकल लिंक रहा है बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट क्योंकि आपको पता है सेंटर में सारा इस्लाम था ईस्ट और वेस्ट को हम कनेक्ट करते रहे हैं जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि वेस्ट में हम स्पेन तक गए ईस्ट में हम इंडिया तक आए तो इस्लाम हमेशा से क्या था कि ईस्ट और वेस्ट के दरमियान एक लिंक प्रोवाइड करता रहा इसी तरह अगर हम अक्रॉस टाइम की बात करें तो डार्क डार्केजेस थी पहले दुनिया को कुछ भी नहीं पता था कि क्या होता है क्या नहीं होता फिर जो प्रिजर्वेशन ऑफ एंशियन नॉलेज है वो किसने शुरू की इस्लामिक लोगों ने या मुसलमानों ने किस तरह जो हमने पिछले में एक हाउस ऑफ विजडम बैतुल हिकमा को बहुत ज्यादा डिस्कस किया तो वो बेसिकली क्या था वहां से हमने प्रिजर्वेशन स्टार्ट किया हम जितनी भी हम जब हम हमारी फतूहत हुई तो हमने जितनी भी ग्रीक फिलासफी दी अरिस्टोटल प्लेटो सोक्रेटिस को दुनिया के सामने लाने में किसी का कोई काम है तो वो हमारा मुसलमानों का काम है इन्होंने ट्रांसलेशन मूवमेंट चलाई उसके बाद हमने इनरिचमेंट की यूरोप की व्यादुलस अब अंदुलुस क्या है स्पेन का वो शहर है जिसे बेसिकली हब माना जाता था बेसिकली जो मोस्ट एडवांस सिटी था वो किसके अंडर था मुस्लिम्स के मुस्लिम रूल्स के अंडर था इसी तरह फिर हमारी वो जो नॉलेज थी जो मुस्लिम रूलर्स ने इकट्ठी की जो बैतुल बैतुल्हिकमामा में आई जो हाउस ऑफ विजडम बगदाद में आई जो हमारे पास अल अल्दुलस में थी वो जब क्रूसेड्स हुए और फर्स्ट क्रूसेड हुई सेकंड क्रूसेड हुई थर्ड क्रूसेड ही आप इनको ज़रूर पढ़ें बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है क्रूसेड्स का भी तो आप ये सारा आप जब पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि क्रूसेड बेसिकली क्या थी सीरीज थी रिलीजियस वॉर्स की जिसमें जो क्रिश्चनस थे वो वापस आते थे यूनाइट हो गया वो कहते थे कि जो हमारा होली लैंड है जो कॉन्स्टेंटिनोपल है उसको हम दोबारा से वापस लेंगे तो इस इसी चीज़ में फिर फर्स्ट क्रूस हुई थी सेकंड हुई थी थर्ड हुई थी और उस एंड पे फिर क्या हो गया ये तकरीबन एक हज़ार सेंचुरी से स्टार्ट हुई फिर ग्यारह सौ बारह सौ तक ये क्रूसीड्स होती रही तो जो फर्स्ट क्रूसेड है उसमें क्रूसेडर विक्ट्री हुई जो सेकेंड क्रूसेड है ये इलेवन में बेसिकली बारहवीं सेंचुरी में हुई जो थर्ड क्रूसेड है ये थर्टीन सेंचुरी में हुई और ये इसमें थ्री यूरोपियन मुनाक्स थे ये इकट्ठे होके आते थे और ये बेसिकली अपना ये कहते थे कि जो हम होली लैंड जेरूसलम है उसको हम वापस लेंगे थर्ड क्रूस में। तो जो फर्स्ट क्रूसेड था वो बेसिकली उसमें उनका जो चर्च था वो इसको यूनाइट करते थे कि जो क्रिस्टियन है ना वो क्योंकि बहुत ज्यादा वो पस्ती का शिकार हो गए थे और मुस्लिम्स क्या थे उस टाइम उनका बिल्कुल अरूज पे थे तो फिर वो क्रूसेड्स बेसिकली वो कहते थे कि जो हमारा खोया हुआ अरूज है हम वो वापस लेने आ रहे हैं इसी तरह जो थर्ड क्रूसेड थी वो जरूसलम के लिए थी इसी तरह जब फिर ये क्रूसेड्स में जब आते थे तो जब इन्होंने फिर जब फतह किया इन्होंने इसी तरह जब इन्होंने हाउस ऑफ विजडम बैतुल है वहाँ पे लाइब्रेरी थी वहां से ये सारी बुक्स जो भी ट्रांसलेटेड चीज़ें थी वो ले गए तो उस इन तीन क्रूसेड्स के बाद क्रिस्टी ने क्या किया पढ़ने का काम शुरू किया उससे पहले क्रिश्चियनिटी में कोई एजुकेशनल कंसेप्ट नहीं था वहां कोई नहीं पढ़ता था किसी को नहीं पता था कि हु हुई प्लेटो हुईस किसी को नहीं पता था वट इट वॉज ग्रीक सिविलाइजेशन तो ये सब क्या हो गया उसके बाद स्टार्ट हुआ उसके बाद फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ फोर्टीन फिफ्टी थ्री में हुआ था बाइजेंटाइन अम्पायर का जो कैपिटल था कॉन्स्टेंटिनोपल इसको ऑटोमेन अम्पायर ने वापस लिया और फिर क्या हो गया कि ऑटोमेन एम्पायर के पास कॉन्स्टेंटिनोपल आ गया तो बेसिकली ये हमारी हिस्ट्री है जो हमें पता होनी चाहिए आ, मतलब आप सबको पता होनी चाहिए इसको आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत क्लियर हो जाएगा आपको एग्जामिनर को इतना कुछ बताने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आपको खुद पता होगा फिर आप एग्जामिनर को बता सकते हैं ना बेसिकली यहाँ पे जो मैंने पॉइंट एस्टैब्लिश किया है वो बहुत छोटा सा पॉइंट है कि इस्लाम किस सिविलाइजेशन का पार्ट है आप एक, इसको दो-तीन लाइंस में भी एग्जामिनर को बता देंगे ना कि इस्लाम एक ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन का पार्ट है अब्राहमिक सिविलाइजेशन का पार्ट है अब्राहमिक सिविलाइजेशन कहां रही ये ये एंपायर सारे कोई इम्पायर नहीं है जो अब्राहमिक रिलीजन से दूर था क्योंकि तीन ही तो लोग थे जिन्होंने दुनिया पे एथीस, एथीस तो कहीं पे आए ही नहीं ना क्रिश्चियनिटी जुडाइजम और इस्लाम इन्होंने ही रूल किया है दुनिया को ये तीनों किस पार्ट किसका पार्ट थे अब्राहमिक रिलीजन का पार्ट थे इसी तरह फिर हम अगर अक्रॉस फील्ड देखें कि इस्लामिक सिविलाइजेशन जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या दिया दुनिया को क्या दिया वेस्ट को तो अगर हम साइंस की बात करें तो ऑस्ट्रोनोमी सर्कम नेविगेशन मुसलमानों ने किया मैथमेटिक्स जिसमें डेसिमल्स अलजबरा मुसलमानों ने किया बायोलॉजी मेडिसिन किताब शफा ऑप्टिक्स मुसलमानों ने किया केमिस्ट्री कीमिया में आपको पता है जाबर बिन हयान इसी तरह अगर हम अक्रॉस फील्ड्स की बात करें तो आपने देखना है अगर हम मैं आपको इसके सारे नाम बताऊँ तो में जिसका काम है वह है अखबारज में एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट जिन्होंने इन्वेंट किया है अलबानी ऑप्टिक्स एंड विजन की बात करें तो इबन अल्हैशम जिन्हें अलजन कहते हैं हॉस्पिटल्स और मेडिकल केयर मुस्लिम कल्चर में आई सबसे पहले अरबिक न्यूमर जीरो

बेसिकली सोशोलॉजी में आप उनको पढ़ेंगे इन्होंने बहुत काम किया इन्होंने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्सट में और इनकी जो सिविलाइजेशन की थ्योरी है बहुत ही अच्छी थ्योरी और बेसिकली इतने खुलदूनी वो बंदे हैं जिन्होंने कहा था कि नो सिविलाइजेशन हैज लास्ट फॉर द लाइक फॉर द टाइम बींग ऑफ अ थ्री जनरेशन

इन्वेंट uh, किया अरेबिक न्यूमरल्स हॉस्पिटल्स कॉफी विंड मिल यह हम सब डिस्कस कर चुके हैं इसी तरह अगर हम देखें कि इस्लामिक सिविलाइजेशन का क्या इंपैक्ट रहा वेस्ट पे तो हम साइंटिफिक एडवांसमेंट को डिस्कस कर चुके हैं हमने क्या क्या डिस्कवर किया आर्किटेक्चरल इनोवेशन हम आप बता मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैलीग्राफी और एक फेमस अल्जबरा uh, और इसके अलावा कुछ पैटर्न जो हम मस्जिदों में अंदर देखते हैं वो सारे क्या है इस्लामिक सिविलाइजेशन का पार्ट है ट्रेड इकोनॉमिक एक्सचेंज मेडिकल नॉलेज आपको पता है किताबें शिफा आज तक पढ़ाई जाती है लिटरेरी लिटरेरी कंट्रीब्यूशन की भी बात हम कर चुके हैं इसमें बेसिकली जो हमने मिस किया है वो वन थाउजेंड वन नाइट है जैसे अलिफ लैला ये बेसिकली ये भी आपको पता है कि इस्लामिक सिविलाइजेशन का पार्ट थी अभी ये ट्रांसलेट हो चुकी है गुलीवर्स ट्रैवल बहुत फेमस एक नावल स्टोरी है ये भी इस्लामिक सिविलाइजेशन का पार्ट थी तो ये ये आप देख सकते हैं इसके ट्रांसलेटेड नेम ये इन्होंने इनके नाम चेंज कर दिया वन थाउजेंड वन नाइट वॉज अली फैला और इसी तरह इमन रुश्त के बारे में यह है कि बहुत फेमस फलासफ़र रह चुके हैं बहुत मतलब एशियंट सिविलाइजेशन के इसी तरह अगर हम इन डिस्कस करें वेस्ट का क्या इम्पैक्ट रहा इस्लामिक सिविलाइजेशन पे तो वेस्ट से हमने जो हमें सबसे पहले जो हम पे इम्पैक्ट हुआ वो हो कलोनियलिज्म ऑटोमैन एम्पायर टूटा उसके बाद क्या हो गया कलोनियाजम का तो स्टार्ट हो गया पॉलिटिकल चेंजेस आना शुरू हो गया वेस्ट से जो चीज़ हमें मिली वो एजुकेशनल रिफॉर्म्स हैं ऑल दो के जो कैरो यूनिवर्सिटी या अल अलजहर जो अल अज़हर यूनिवर्सिटी है इन कैरो इजिप्ट वो भी एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी और फर्स्ट डिग्री अवार्डेड यूनिवर्सिटी है लेकिन जो मॉडर्न डे के एजुकेशनल रिफॉर्म्स हैं वो हमें वेस्ट से मिले इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी का जो सारा क्रेडिट है वो वेस्ट को मिलता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपको पता है यूरोप से आई कल्चरल एक्सचेंज हमने वैसे लिया लीगल और पॉलिटिकल सिस्टम्स किसी हद तक हमने वैसे लिए वरना हमारा जो शरिया का सिस्टम है आपको पता है कि अगर हाँ हम इसमें सारे पढ़ेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इस्लाम उसमें हम हज़रत उमर हज़रत अली को उनके जो लेटर्स हैं उनकी जो किस तरह उन्होंने अपनी जो पोलिटिकल सिस्टम का क्या जुडिशल सिस्टम था वो हम सब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ हद तक हमारा मॉडर्न सिस्टम इससे हमने इम्पैक्ट लिया है लेकिन ऑलरेडी वी हैड अ सिस्टम ऑफ शरिया इन प्लेस ये अलग बात है कि हम उसको नहीं पूरा इस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और ग्लोबलाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो हमने वेस्ट से लिया बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू तो टेक्नोलॉजी सम तो अगर वेस्ट का इस्लाम पे हम देखें तो इस्लाम हमें क्लोनलिज्म और जो हमारी ये चीज़ है ये हमारे पे इस वेस्ट की तरफ से आई है अदरवाइज जो सारी एंशियट जो मॉडर्न एंशियट इन्वेंशन हैं वो किसने की हैं मुसलमानों ने की हैं सो बेसिकली ये है इम्पैक्ट ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन ऑन द वेस्ट एंड वाइस वर्सा तो आपको पता चल गया कि इस्लाम कितना इन दीन है और इस्लाम की हिस्ट्री कितनी पुरानी है हमेशा से इस्लाम है इस्लाम कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि नहीं हो क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है अल्लाह ताला की जो प्रेजेंस है वो हमेशा से है इसलिए क्या है कि इस्लाम भी हमेशा से है सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे आई होप दैट यू गॉट सम डेटा फ्रॉम दिस लेक्चर एज वेल सो नेक्स्ट में फिर हम आगे डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड और फिर थर्ड में हमारे कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस हैं जो कि थोड़े कम्प्लेक्स हैं आपको पता है आजकल जो हमारा मसला भी चल रहा है पैलेस्टाइन और इसराइल का तो वो कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस में ही आता है फिर हम उसी में ही टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म को डिस्कस करेंगे सो सी यू सून विद नेक्स्ट वीडियो टिल